हेलो एवरी वन वेलकम ऑन गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट पॉलीमर्स सो दिस लेक्चर इज़ प्रजेंटेड बाय मी शिखा मेहता एंड वी विल कवर ईच एंड एवरी थिंग इन दिस सिंगल वीडियो वॉट आई मीन बाई ऑल इन वन वीडियो इज़ दैट आई विल प्रोवाइड यू हैंड रेटन नोट्स ऑफ पॉलीमर्स दैन वी विल रिवाइज एवरी थिंग यूजिंग माइंड मैप एंड वी विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल ओके सो स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू भी हेल्पफुल फॉर बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स सो so when we start studying about polymers so first question came in our mind is what are polymers so polymers को हम define करते हैं कि they are large molecules having high molecular masses देखो सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं एक होता है polymer and एक होता है monomer ठीक है तो मोनोमर आपके क्या होते हैं आपके सिंपल रिएक्टिव मोलिक्यूल्स होते हैं जो जब रिपीट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलीमर्स बिकॉज बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स जुड़ के पोलीमर बनाती है तो जो मास होता है पोलीमर्स का वो काफ़ी हाई होता है और इसी वजह से हम इनको माइक्रो मोलिक्यूल्स भी बोलते हैं ठीक है एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन तो तीन चीज़ें पढ़ी हमने इस स्लाइड में वट आर मोनोमर्स दीज आर सिंपल रिएक्टिव मोलिक्यूल्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पोलीमर्स पोलीमर्स आर वोट पोलीमर्स आर लार्ज मोलिक्यूल विद हाई मोलिक्यूल मास दैट फॉर्म वेर मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन विद ईच अदर एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमर्स इज कल्ड पोलीमराइजेशन सेकेंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पोलीमर्स तो पोलीमर्स को हम चार बेसिक चार बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड आगे हम पढ़ते रहेंगे चार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सोर्स से स्टार्ट करते हैं कि सोर्स के बेसिस पे हम पोलीमर्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ये क्लासिफाई पोलीमर्स एज नेचुरल पोलीमर्स सेमी सिंथेटिक पोलीमर्स एंड सिंथेटिक पोलीमर्स सो नेचुरल पोलीमर्स वो होते हैं जो फुल्ली मतलब पूरे तरीके से आपको नेचर से मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से आपको जनरली वो ऑप्टेंट होते हैं एग्जाम्पल आपका प्रोटीन हो गया सेलोलोज स्टार्च एंड रबर सेमी सिंथेटिक पोलीमर्स आपके वो होते हैं जो आपके नेचुरली अकरिंग पोलीमर्स ही होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं ताकि वो और अच्छे ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ में और एफिशियट चेंज आए और वो ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए तो उनको हम बोलते हैं सैमी सिंथेटिक पोलीमर्स की फुल्ली तो हमने उनको सिंथेसाइज नहीं किया हमने नेचुरली अकरिंग पोलीमर्स में ही कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा सेलोलोज एसिडेट जिसको आप रेओन भी बोलते हो ठीक है तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि सैलोलोज एसिडेट किसका केमिकल लेने के और या फिर कॉमन नेम पूछ सकता है आपसे तो याद रखना सेलोलोज एसीटेट को ही हम रेन बोलते हैं तो सेलोलोज आपका नेचुरल पोलीमर है उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया एंड वी विल कन्वर्ट दिस इंटू सेलोज एसीटेट जिसको रेवोन भी बोलते हैं उसके बाद सिंथेटिक पोलीमर्स वो होते हैं जो पूरे तरीके से मैंड मेड होते हैं एग्जाम्पल आपका पोलीथीन हो गया नाइलोन सिक्स सिक्स हो गया सिंथेटिक रबर्स हो गया लाइक बोना तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको चार ऑप्शन दे देंगे और उनमें से पूछ लें कि इसमें से नेचुरल कौन सा है या फिर सिंथेटिक कौन सा है फॉर एग्जाम्पल आप मैं बोल दूँ एक क्वेश्चन दूँ कि सेलोलोज है रेजिनस से है रबर है एंड बूना एस है तो इनमें से मैं पूछूंगी कि विच वन इज़ नॉट नेचुरल ठीक है तो आपका आंसर होगा बोना एस उसके वो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर कि पोलीमर्स का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे भी हम इनको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं लीनियर पोलीमर्स ब्रांच चेन पोलीमर्स एंड क्रॉस लिंक्ड क्रॉस लिंक भी हम नेटवर्क पोलीमर्स भी बोलते हैं तो देखो जो लीनियर पोलीमर्स होते हैं उनमें क्या होते है आपका बेसिकली लंबी लंबी स्ट्रेट चेन्स होती हैं ठीक है थेके? लंबी लंबी स्ट्रेट चेन होती है और वो इस तरीके से अरेंज होती है बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट चैन है लॉन्ग स्ट्रेट चैन है तो कोई मतलब कि दिक्कत नहीं आती इनको इंट्रैक्शन में क्लोज पैकिंग होती है इन पोलीमर चेन की एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लोज पैकिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो डेंसिटी होती है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है लीनियर पोलीमर्स की वो काफ़ी हाई होती है इस एग्ज़ाम्पल हो जाएगा एच डी पी मतलब हाई डेंसिटी पोलीथीन एंड पी वी सी पोलीविन क्लोराइड एटसेट्रा सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पोलीमर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पोलीमर्स के चैप्टर में वो यही है कि आपको क्योंकि एग्जाम्पल्स याद रखने सबके एग्जाम्पल्स और इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी पोलीमर्स की मोनोमर यूनिट क्या होती है वो याद रखनी है मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं ठीक है सेकेंड हम देखते हैं ब्रांच चेन पोलीमर्स तो ब्रांच एंड पोलीमर्स में क्या होता है लीनियर चेन्स नहीं होती उनमें कुछ ब्रांचेज आ जाती हैं ठीक है बिकॉज अब ब्रांचिंग आ गई तो ब्रांचिंग की वजह से जो पोलीमर्स होते हैं इतने अच्छे तरीके से पैक नहीं होते बिकॉज अब पैकिंग यहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं है तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है डेंसिटी होती है वो क्या होती है वीक होती है तो याद रखना लीनियर से केस में आपकी मेल्टिंग पॉइंट टेंसाइल स्ट्रेंथ डेंसिटी हाई होती है एंड ब्रांच चेन के केस में जो आपकी ये मेल्टिंग पॉइंट है डेंसिटी है ये सब वीक होती है लो होती है वीक होती है ठीक है इस एग्जाम्पल हो जाएगा लो डेंसिटी पोलीथीन थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज क्रोस लिंक्ड और इसको हम नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं तो इन पॉलीमर्स में क्या इन इस तरीके के पॉलीमर्स में क्या होता है जो आपकी मोनोवा यूनिट होती है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बोन हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं ठीक है ठेके? और क्रॉस लिंकिंग होती है क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है कि जो मोनोमर यूनिट्स होती है इस तरीके की पोलीमर्स के अंदर उनमें बाई वो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शन होती है ठीक है तो उन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में भी इंट्रैक्शन होती है ठीक है और क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट्स होते हैं मतलब कि ऐसे सिंपल इंट्रैक्शन नहीं होती जैसे ये इसके साथ इंट्रैक्ट कर रहा है फिर ये इसके साथ मतलब क्रॉस लिंकिंग टाइप अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से पोलिमर्स काफ़ी हार्ड होते हैं रिजिड होते हैं इस एग्जाम्पल होंगे बेकलाइट एंड मेलामाइन ठीक है ये याद रखना आपको सो so, जो थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी बेसिस पे हम करते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर कि किस तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स आपकी डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स के बीच में है सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टोमर्स की तो इलास्टोमर्स जैसा कि आपको पता है इलास्टिसिटी मतलब सपोज आपका ये आपका एक पोलीमर है तो इनको हम बहुत ज़्यादा इलास्टिकली स्ट्रेच कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके इलास्टोमर्स होते हैं तो दीज पोलीमर्स है रबर लाइक सोलड्स इलास्टोमर्स का जब नाम लेते तो सिंपली आपके माइंड में रबर आता होगा ठीक है तो इलास्टोमर्स की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत हाई होती है अब बिकॉज ये इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं इट मींस इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफ़ी वीक होता है ठीक है और इन पॉलीमर्स को हम इनकी जो नॉर्मल लेंथ होती है उससे लगभग टेन टाइम्स ज़्यादा तक स्ट्रेच कर सकते हैं अब इसके एग्जाम्पल मेनली क्या होंगे रबर ही होंगे तो अब बुनाइस भी आपका रबर है सिंथेटिक रबर है बुनाएन एन भी आपका सिंथेटिक रबर है न्यूप्रिंग भी आपका सिंथेटिक रबर है ठीक है तो ये आपकी जो रबर है ये आप इसके इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल हो गए उसके बाद जो सेकेंड आता है इसमें होता है फाइबर तो फाइबर के केस में क्या होता है जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन डिफरेंट मोनोमारिक यूनिट्स वो काफ़ी हाई होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एंड मतलब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ पे होती प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स के अंदर ओके अब जो आपके फाइबर्स होते हैं वो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है और इलास्टिसिटी कम होती है बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इलास्टिसिटी यहाँ पे कम होती है एंड मतलब कि देखो अगर मैं बात करूँ कि इंटरमोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है मतलब पैकिंग बहुत अच्छी है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है so सो ये सारे रीज़न है जो फाइबर्स को स्टेबिलिटी ग्रांट करते हैं ठीक है इस एग्जाम्पल हो जाएंगे नायलॉन सिक्स सिक्स एंड टेरेलीन एट्सेट्रा सो so, हम जो थर्ड क्लासन पढ़ रहे हैं उसमें हमने पहले इलास्टोमर्स पढ़ा देन फाइबर पढ़ा उसके बाद हम पढ़ रहे हैं थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक में क्या होता जो है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट लाइज इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर तो इलास्टोमर्स से तो इस ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फाइबर से कम होता है ये लीनियर भी होते हैं और स्लाइटली ब्रांच चेन मोलिक्यूल्स

क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट होते हैं और फिर उनके कुछ बहुत ही हार्ड ब्रिटल से शेप एक्वायर कर लेते हैं जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक uh, स्विचेस ऐसे होते हैं जिनको आप हीट करते हो तो वो मेल्ट वगैरह होने के मीन मेल्ट होते हैं वो ठीक है लेकिन जब मेल्ट होते हैं लेकिन फिर वो एक इतने uh, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा उनका मतलब कुछ कॉम्पैक्ट सा वो अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं ठीक है तो वो थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल होते हैं ठीक है तो बेकलाइट हो गया यूराफॉर्मल डीहाइड्रोजन वो उसके एग्जाम्पल्स आते हैं तो थर्मोसेटिंग में हीट करने पर हार्ड हो जाता है वो सब्सटेंस और थर्मोप्लास्टिक में वो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद जो फोर्थ क्लासिफिकेशन आता है उसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ जो फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है वो हम किस बेसिस पे करते हैं कि आपकी पॉलीमर कैसे फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं फर्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन पॉलीमर्स ठीक है और दूसरा हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स ठीक है तो एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है सिंपली एक मोनोमर यूनिट है दूसरी ये मोनोमर यूनिट है तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाती हैं और आपको एडिशन पोलीमर मिल जाता है जैसे कि पोलिथीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ठीक है लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है जब दो आपकी मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं तो अलोंग विद पॉलीमर कोई स्मॉल मोलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया एफ्सियल अमोनिया भी साथ में एलिमिनेट होता है ठीक है अब एडिशन पॉलीमर्स में ही हम दो और चीज़ें बताते हैं कि एडिशन पॉलीमर आपका है तो एक को हम बोलते हैं को पोलीमर और एक को हम बोल देते हैं होमोपोलीमर तो होमोपोलीमर हम जब बोलते हैं जब आपकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो सेम होती है मतलब फर्स्ट भी इथीनी है सेकेंड भी इथीन है थर्ड भी इथीन है मतलब इथिन से मतलब मतलब सारी मोनोमर यूनिट सेम होती है होमो का मतलब क्या होता है सेम तो उन्हें हम बोलते हैं है होमोपोलीमर और जब आपकी मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं सपोज एक आपका ए है एक आपका बी है मतलब एक डिफरेंट आपकी मोनोमर यूनिट होती है तो उसको हम कोपोलीमर बोलते हैं ठीक है अब एडिशन पोल अब हम जो तो ये आपका फोर्थ तरीके से हम इसको क्लासीफाई करते हैं अब क्लासिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ पोलियमराइजेशन रिएक्शंस और इसमें फर्स्ट होती है आपकी एडिशन पोलियमराइजेशन रिएक्शन एंड सेकंड होती है आपकी कंडेंसेशन पोलियमराइजेशन रिएक्शन एडिशन को हम चेन ग्रोथ पोलियमराइजेशन भी बोलते हैं और कंडेंसेशन को हम स्टेप ग्रोथ पोलियमराइजेशन बोलते हैं सो ड्यू एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपका एडिशन पोलियमराइजेशन रिएक्शन होती है वो किस या फिर किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो आपका आंसर होगा फ्री रेडिकल बेसिकली एडिशन क्या होते हैं है? आपको अभी समझाया कि मोनोमर सेम और डिफरेंट टाइप के एड होते हैं एक साथ ऑन अ लार्ज स्केल टू फॉर्म एडिशन पोलिमर्स ठीक है तो इससे एग्जाम्पल जाएंगे पोलीथिन टेफलोन पैन एटसेट्रा उसके बाद आता है कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पोलियोमाइजेशन इसमें क्या होता है कि इसमें आपके मोनोमर्स जुड़ते हैं लेकिन वो आपका जो सिंपल मोलिक्यूल्स होते हैं लाइक वाटर एल्कोहल एचसी अमोनिया एटसेट्रा ये भी आपका रिलीज होता है एज अ साइड प्रोडक्ट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके नाइलोन पोलियस्टर्स बेकलाइट एटसेट्रा ओके सो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो आपकी एडिशन पोलियोराइजेशन रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि आपकी रेडिकल फॉर्म होनी चाहिए तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरली तीन स्टेप्स में होती है फर्स्ट इज इनिशिएशन इनिशिएशन में आपका क्या होता है कि आपकी रेडिकल जनरेट होगी देन आता है प्रोपगेशन स्टेप और उसके बाद आता है टर्मिनेशन स्टेप राइट तो यहाँ पे हम वो देख लेते हैं रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं जनरली ये क्वेश्चन भी आता है कि एडिशन रिएक्शन में या फिर आ, एडिशन पोलिंग रिएक्शन में हम परोक्साइड्स क्यों यूज़ करते हैं ठीक है तो परोक्साइड इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दे हेल्प इन द इनिशिएशन और बिकॉज दे हेल्प इन द जनरेशन ऑफ रेडिकल सो हमने बेंजोइल परोक्साइड लिया यहाँ बेंजोइल बेंजोल फ्री रेडिकल जनरेट हुई और फिर उसके बाद से रीअरेंज वगैरह होता है और ये फिनाइल रेडिकल आपको मिलती है ठीक है जब आपकी फ़िनाइल रेडिकल मिली है ये आपको ये रिएक्ट करते हैं इत, आपके इथिन के साथ और यहाँ पे आपकी ये रेडिकल जनरेट हो जाती है तो आपके जो रेडिकल जनरेट हुई है ये फिर प्रोपोगेट करती है और इस तरीके से बड़ा बड़ी सारी एक आपको चेन मिलती है ठीक है और उसके बाद आपका टर्मिनेशन स्टेप होता है और आपको ये आपका जो पॉलीमर है वो मिल जाते हैं तो बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं ये रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके उसके बाद हम पढ़ें कुछ इंपोर्टेंट कमर्शियल पॉलीमर्स को तो देखो पॉलीमर चैप्टर से जो में, जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं कि आपको पॉलीमर गिवन होगा उसका आपसे मोनोमर पूछ लेगा या आपको यूज़ गिवन होगा कुछ एक स्पेसिफिक पॉलीमर का और पूछ लेगा कि कौन सा पॉलीमर इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स है वन बाई वन हम उनको पढ़ लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम एडिशन पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं एडिशन पॉलीमर्स में सबसे पहले आता है आपका एल डी पी ई मीन्स लो डेंसिटी पॉलीथीन ठीक है पोलिथीन यहाँ पे देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोनोमर यूनिट होगी वो हो तो आपकी इथिन होगी तो ये आपके देखिए बहुत सारे आपके इथिन मोलिक्यूल्स एन नंबर में एन कुछ भी हो सकता है आपके इथिन मोलिक्यूल रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और दे आर दे, ली, दे आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलिथीन अब यहाँ पे आपकी रिएक्शन प्रिपरेशन भी गिवन है कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो रिएक्शन कंडीशन गिवन है तो वो आप पढ़ सकते हैं बट जनरली इस पार्ट से क्वेश्चन इतने आते नहीं है ठीक है तो हम इसके यूज़ देख लेते हैं तो इट इज़ यूज इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड मैनुफेक्चर ऑफ स्क्वीज बोटल जब सोस वगैरह की बोटल्स देखते हो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं तो जो आपका पोलीथीन होता है केमिकली इनर्ट होता है टफ होता है फ्लेक्सीबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद नेक्स्ट आता है हाई डेंसिटी पोलिथीन तो बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पोलीथीन सो यहाँ पे भी जो मोनोमर यूनिट है वो इथिन ही है ठीक है और इसको हम बकेट्स वगैरह बनाने के लिए बिकॉज़ यहाँ पे देखो हाई डेंसिटी है मतलब मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है मोर ज़्यादा स्ट्रॉग है तो इसको हम बकेट्स डस्टबिन बॉटल्स पाइप्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं नेक्स्ट इज पोली टेट्राफ्लोरोथिन पोलीटैट्राफ्लोरोथीन को यहाँ टेफलॉन भी बोलते हैं ठीक है ठीके? जो इसकी मोनोमर यूनिट है दैट इज टेट्राफ्लोरोथिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर टेट्रा फ्लोरो चार आपको फ्लोरिनाइट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये एन नंबर में जब रिपीट होते हैं सो दे टू द फॉर्मेशन पोली टैट्रा फ्लोरोथेन इसको हम ऑयल सील्स गास्केट्स बनाने में जो नॉन स्टिक आपके यूटेंसिल्स होते हैं उन सबको बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है पेन पेन की फुल फॉर्म पूछी जाती है एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ पोली एक्राइलो नाइट्राइल ठीक है एंड इसका जो मोनोमर यूनिट है दैट इज एक नाइट्राइल या आपका एकराइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर होता है और इट इज़ एन सब्सटीट्यूट फॉर वूल ठीक है वूल के सब्सटीट्यूट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं मतलब कमर्शियल फाइबर्स जैसे कि अभी ओरलोन हो गया एक्रिलन हो गया जो ओरलोन और एक्रिलन जो है ये इनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा वुलन टेक्सचर ही होता है तो इन कमर्शियल फाइबर्स को बनाने के लिए एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ वूल हम पोली एक्राइलो नाइट्रॉयल को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलीप्रोपीन तो सिंपली नाम से पता लग जाएगा कि इसका जो यूनिट हो गया दैट इज प्रोपीन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन यहाँ पे आप रिएक्शन कंडीशंस देख सकते हैं ठीक है तो ये आपको याद रखना है जिगरा नाटा कैटलिस्ट का किसे बोलते हैं ठीक है तो दिस सब्सटेंस इज नोन एज नाटा कैटलिस्ट ठीक है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस क्लोरो टाइटेनियम तो इसको जिगर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है डी एंट्रेंस में ठीक है सिंपली ये पूछ लिया जिगर नाटा कैटलिस्ट गिवन था एंड ऑप्शन में काफ़ी सारे केमिकल्स गिवन थे तो उनमें सबको सर... सर... जो करेक्ट वन था वो सेलेक्ट करना था ठीक है रोप टोइज पाइप्स फाइबर वगैरह बनाने के लिए हम पोली का यूज़ करते है। उसके हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलिस्टायरिन तो पोलिस्टायरिन में जो आपका मोनोमर होता है दैट इज स्टायरिन ये आपका स्टायरिन का स्ट्रक्चर है इट इज़ यूज एज एन इंसुलेटर रैपिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़ रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स तो ये इसके यूज हैं उसके बाद पीवीसी की फुल फॉर्म में आप रखनी है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो मोनोमर है वो विनाइल क्लोराइड है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड ये यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं ठीक है ये रेन कोट्स हैंड बैग्स विनाइल फ्लोरिंग वाटर पाइप्स वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हम कंडेशन पोलीमर्स की बात करते हैं इससे पहले हमें जो भी पढ़े वो हमने एडिशन पढ़े हैं ठीक है हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करें पोलियमाइड्स पोलियमाइड्स का मतलब कि यहाँ पे आपका अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा ठीक है जो एन एच सी ओ ये ग्रुप होता है ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा पोलियमाइड ग्रुप ठीक है तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं नाइलॉन सिक्स सिक्स ठीक है नायलोन सॉरी नाइलोन सिक्स सिक्स सो नाइलॉन सिक्स सिक्स देखो बिकॉज ये कंडेंसेशन पॉलीमर है ओके okay, इट मीन्स यहाँ पे एक कोई ना कोई स्मॉल पार्टिकल यहाँ से लिबरेट आउट होगा ठीक है अलोंग विद द विदिंग ऑफ मोनोमर्स मोनोमर्स जुड़ेंगे और आपका एक क्या होगा एक स्मॉल मोलिकल एलिमिनेट होगा आपकी पोलीमर की फॉर्मेशन के साथ सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जो नायलोन सिक्स सिक्स है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर कोपोलीमर से मेरा मतलब क्या है कि जो मोनोमर यूनिट जुड़ रही है वो सेम नहीं है देखिए एक तो आपकी मोनोमर यूनिट है हैिथाइलिन डायमिन ठीक है जो ये आपका ये है ये आपका हेक्सामिथाइलिन डायामीन है एंड दूसरे आपका एडिपिक एसिड तो जो ये आपका एसिड गिवन है ये आपका एडिपिक एसिड है तो आपका एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायामीन दोनों जुड़ के आपको नायलॉन सिक्स सिक्स की फॉर्मेशन कर रही है नायलॉन सिक्स सिक्स पे डायरेक्टली बोर्ड पे बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन सिक्स सिक्स तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे याद करनी होगी ठीक है इसको हम यूज़ करते हैं ब्रशेस के ब्रिस्टल्स बनाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शीट्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ करते हैं तो नायलॉन सिक्स सिक्स का आपको जो प्रिपरेशन है वो याद रखनी है उसके बाद जो नायलॉन सिक्स है ठीक है याद रखना इसमें सिक्स सिक्स टू टाइम्स है और जो नायलॉन सिक्स है उसमें जो मोनोमर यूनिट है दैट इज़ योर कैप्रोलैक्टम ठीक है कैप्रोलैक्टम का ये आप मोरिकुलर फॉर्मूला है एंड ये आप उसका स्ट्रक्चर है ठीक है सो इसको हम फैब्रिक्स रोप्स और टायर कोर्स बनाने में यूज़ करते हैं आपको पोलीमर्स के मोनोमर्स तो एटलीस्ट याद करना ही है अगर यूजेस याद नहीं होते तो ठीक है उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंड कैटेगरी में दैट इज़ पोलियस्टर्स इससे पहले हमने पोलीअमाइड्स की बात की यहाँ पे हम पोली की बात कर रहे हैं तो पोलियस्टर्स में हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं टैरलिन की जिसको डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है तो जो इसमें मोनोमर यूनिट्स होती है दैट इज इथालिन ग्लाइकोल ठीक है इथालिन ग्लाइकोल या आपका इथालिन ग्लाइकोल है एंड टेक्ट्रोथैलिक एसिड दिस इज योर टेक्ट्रोथलिक एसिड ठीक है तो ये ये भी आपका कोपोलीमर एग्जाम्पल है कोपोलीमर मतलब डिफरेंट मोनोमर जुड़ते हैं ठीक है सो दे आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेकर सो इट इज़ यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ वियर फैब्रिक्स टायर कोट सीट बेल्ट और ब्लैंड ब्लैंड कोटिन को ब्लैंड करने यूज़ करते हैं ठीक है जबकि सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं तो एक सेफ्टी हेलमेट वाला आपको कंसिडर करना है इस पर ज़्यादा फोकस करना है उसके बाद अब हम जो थर्ड कैटेगरी की बात करें तेट इज फिनोल फॉर्मलडी हाइड पोलिमर सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेकलाइट पर बहुत क्वेश्चन आते हैं डी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब बेकलाइट होता है उसके मोनोमर्स क्या हैं तो फिनोल एंड फॉर्मलडी हाइट वहाँ पे आपका आंसर था ठीक है तो देखो जो नोवा लेक है एंड बेकलाइट है यहाँ पे देखिए दोनों में जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है दैट इज फिनोल एंड फॉर्मलडी ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है आपका ये देखिए इसके जो मोनोमर मोनोम दैट इज हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल ठीक है ये आपके जुड़ रही है एंड टाइम्स पोलिमराइज हो रही है एंड ये यह आपके यहाँ पे नोवलग बन गया ठीक है सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन गई मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको फिनोल फॉर पॉलीमर्स को देखो तो फर्स्ट इज हम पढ़ते हैं नोवलैक एंड सेकेंड पढ़ते हैं बेकलाइट ठीक है बेक तो नोवलैक में जो आपका मोनोमर होता है वो होती है सिर्फ फिनोल और तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल एंड जब मैं बोल रही हूँ फिनोल तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिनोल को एज इट इज यूज़ करें अगर हम उसके डायरेवेटिव भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम फिनोल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं करेंगे ठीक है तो नोवा लैक में हम यूज़ करते हैं औरथोहा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल एंड जब ये एंड टाइम्स जुड़ते हैं मतलब बहुत बार रिपीट हो होकर कोई लंबा सा चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं पोलीमराइज होकर सो तो उसको हम बोलते हैं नोवल एक ठीक है Novalac, अब बेकलाइट में क्या होता है जो आपका फिनोल है उसके साथ फॉर्मल और ऐड हो जाता है ठीक है फिनोल के साथ आपका फॉर्मल और ऐड हो जाता है तो मतलब कि जब आप नोवलैक को नोवलैक आपका लीनियर पॉलीमर है ठीक है तो जब नोवलैक जो कि लेनियर पॉलीमर है वो क्रोसली अरेंज हो जाए तो वो बेकलाइट की फॉर्म करता है ठीक है तो नोवा लॉक या तो आप बोल आपके पास एग्जाम ऑप्शन नोवा लेक प्लस फॉर्मलिटी भी हो सकता है ठीक है या फिर फिनोल प्लस फॉर्मलिटी भी हो सकता है तो सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि बेकलाइट इज़ कम्पोज ऑफ किससे बना होता है बेकलाइट और वहाँ पे ऑप्शन है फिनोल नहीं है फिनोल प्लस फॉर्मलिटी नहीं है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना अगर नोवा लेक प्लस फॉर्मलिटी है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्योंकि नोवा लैक भी अल्टीमेटली बना हुआ तो किससे है फिनोल से ही बना हुआ है फिनोल डायरेक्टली ना दे आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करना चाहता है और उसने आप नोवा लैक दे दिया ठीक है तो आपको वहाँ आप पर ऐसा कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है और बेकलाइट का यूज किस लिए करते हैं फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कॉम्स बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए और जो यूटेंसिल के हैंडल्स होते हैं वो सब बनाने के लिए हम बेकलाइट का यूज़ करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज मेलामाइन मेलामाइन के जो आपकी मोनोमर यूनिट होती है दैट इज मेलामाइन प्लस फॉर्मेलिटी ठीक है सो जो आपका मेलामाइन जब और फॉर्मेलिटी जब जुड़ जाते हैं सो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेलमैक ठीक है so melmac, और मेलमैक फर्दर पोलीमराइज होकर आपका मेलामाइन पोलीमर बनाता है ठीक है तो ये आपका मेलामाइन है ये आपका फॉर्मेलिटी है ये दोनों जुड़ के मेलमैक बनाते हैं और मेलमैक फिर फर्दर जुड़ के मेलामाइन पोलीमर बनाते हैं इस पर जो क्वेश्चन आता है वो इसके मोनोमर्स पे इतना ना के इसके यूज पे आता है कि क्रॉकरी बनाने के लिए हम कौन सा पॉलीमर यूज़, कर तो यूज़ करते हैं तो क्रॉकरी बनाने के लिए मेलामाइन पॉलीमर यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद यूरिया फॉर्मेलिटी हाइड्रोजन के मोनोमर्स पूछे तो बहुत ईजिली आप बता सकते हो यूरियान फॉर्मलिटी हाइट ओके जो आपके अनब्रेकेबल जो आपके जो टूटते नहीं है कप्स आप एक बार देखते हो ना कि कुछ प्लास्टिक के कप्स होते हैं आपके जो टूटते नहीं है अनब्रेकेबल कप्स होते हैं लेमनेटेड शीट्स होती है उनको बनाने के लिए हम यूरिया फॉर्मेल्टी का यूज़ करते हैं देन आता ग्लिप्टल ग्लिप्टल के मोनोमर्स आपको याद रखने हैं इथालिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड दिस इज योर थैलिक एसिड दिस इज योर इथालिन ग्लाइकोल ये मिल आपको बना रहे हैं आपका एक ग्लिप्टल ठीक है इसको हम पेंट बनाने के लिए लिक्वर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं सो so, यही इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आपको पढ़ने थे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज को ये मैं आपको स्टार्टिंग से बहुत बार समझा चुकी हूँ कि कोपोलिमराइजेशन में कुछ नहीं होता बेसिकली इट इज द पोलिमराइजेशन रिएक्शन इन बिटवीन मोर देन वन मोनोमरिक स्पीशीज देखो जब सेम ही आपकी स्पीशीज हो लाइक इथिन इथिन जुड़ के पोलिथीन बना रहे हैं तो वो होमोपोलीमर का एग्जाम्पल है लेकिन जब आपकी पोलीमर्स कोपोलीमर है मतलब कि डिफरेंट पोलीमर्स जुड़ रहे हैं जैसे यहाँ पे वन थ्रीब्यूटेड आइन जुड़ रहा है स्टारिन के साथ तो ये कोपोलीमर्स हैं ठीक है एंड वैन द पोलिमराइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व कोपोलीमर तो उसको हम बोलते हैं कोपोलीमराइजेशन आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी चीज तो कोपोलीमराइजेशन बेसिकली एक पोलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें आपकी कोपोलीमर फॉर्म होता है कोपोलीमर से मेरा मतलब क्या है कि डिफरेंट मोनोमर्स उसमें जुड़े हुए हैं बूना एस आपके यहाँ पर एग्जाम्पल गे बन बूना एस में क्या होते हैं आपके दो मोनोमर्स क्या है वन थ्री ब्यूटोडाइन एंड स्टाइरिन है ये मिलकर आपका बोना एस बना रहे हैं बूना एस एक सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल है ठीक है अब देखिए रबर भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना होता है पोलीमर्स के अंदर तो नेचुरल रबर बेसिकली क्या होता है आपको रबर लेटेक्स से मिलता है ठीक है जो कि क्या होता है कोलोडल डिस्पर्जन होता है रबर का इन वाटर तो रबर लेटेक्स जो होता है दैट इज एन कोलोडल कोलोडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर और वो आपका नेचुरल रबर हमें वहाँ से मिलता है तो जब आप नेचुरल रबर की स्टडी करते हो रिसर्च करते हो तो यू विल फाइंड कि जो आपका नेचुरल रबर है

तो आई एम श्योर मोस्टली स्टूडेंट्स आइसोप्रीन पे ही टिक करेंगे बट आपको ये दोनों भी याद रखने हैं और ऑल ऑफ दिस को टिक मार्क करना है ठीक है अब सिस पोलियो आइसोप्रिन मोलिक्यूल्स जो हैं वो वीक वेंडरेबल फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो होते हैं बिकॉज वो वीक वेंडरेबल फोर्स से जुड़े हुए हो होते हैं तो उनको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं ठीक है मतलब देखो कोई भी चीज़ जो होती है वो लिमिटेड अमाउंट में ही हो तो अच्छी लगती है अगर उसका एक्सेस हो जाए तो वो हमारे कई बार हम डिज़ाइर्ड डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी नहीं होती ठीक है तो नेचुरल रबर में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनसे ऑक्सीडाइज हो जाता है ठीक है और काफ़ी वीक इसमें फ़ोर्सेज होते हैं डैमेज तो भी हो जाते हैं तो इसकी कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए हम इसका वुल्कनाइजेशन करते हैं ठीक है तो वो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है स्लाइड में नहीं है बट याद रखना हम वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं ठीक है क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर में हम करते क्या है तो बेसिकली इसमें हम रबर को हीट करते हैं इन द एटमोसफियर ऑफ सल्फर तो क्वेश्चन ये आता है कि वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर जब हम करते हैं तो किसके एन्वायरमेंट में हीट करते हैं तो हम सल्फर के इन्वायरमेंट में हीट करते हैं उसके बाद हम बात करें सिंथेटिक रबर्स की कि रबर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी एक्सटेंसिवली हम यूज़ करते हैं तो नेचुरल रबर पे इतना डिपेंड नहीं हो सकते तो हमने सिंथेटिक रिबर्स रबर्स बनाना स्टार्ट कर दिया अब एक चीज़ हमें समझ में आ गई थी क्या कि जो बेसिक यूनिट है सिंथेटिक रबर की दैट इज आइसोप्रिन ठीक है मतलब वन थ्री ब्यूटो डाइन द बेसिक यूनिट ऑफ रबर ठीक है तो अगर हम उसको मॉडिफाई कर लें या फिर कुछ दूसरे डेरिवेटिव्स के साथ ऐड करके कर लें तो हम सिंथेटिकली रबर सिंथेसाइज कर सकते हैं और ये हमने किया ट्राई किया और हम बेसिकली जनरली तीन तरीके के सिंथेटिक रबर्स पढ़ते हैं नियोप्रिन बूना एन एंड बुना एस न्योप्रिन को आप पोली भी बोलते हो ठीक है इसमें जो आपका मोनोमर यूनिट होता है क्लोरोप्रिन तो जो आपकी मोनोमरिक यूनिट क्लोरोप्रिन है ये बेसिकली एन टाइम्स जुड़ती है और आपका न्योप्रिन के सिंथेसाइज करती है सेकेंड हम पढ़ते हैं बोना एन बूना एन में आपका वही वन थ्री क्या होता है आपके एक्राइल के साथ ठीक है एकराइलो नाइट्राइन के साथ रिएक्ट करके बूनाइन बनाता है दैट इज ब्यूटोडाइन एकाइलो नाइट्राइजन और बूनाइस तो हमने पढ़ में पढ़ा मैंने पढ़ाया था ठीक है आगे स्टार्टिंग में नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल पोलीमर्स पोलीमर्स में हम जनरली प्लास्टिक पढ़ रहे हैं मतलब जनरली पोलीमर्स से हम बात करते हैं तो प्लास्टिक आपके माइंड में आते हैं ठीक है थेके? अब जो प्लास्टिक है वो आप सभी को पता है कि डिग्रेड नहीं होता और डिग्रेड नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट में रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक और उसको हार्मफुल हार्म पहुँचाता है ठीक है सो अभी जो जो सोचने की बात थी वो ये थी कि हमें ऐसे पोलीमर्स डेवलप करने हैं जो कि डिग्रेड हो जाए जो माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड हो जाए और इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना करें ठीक है तो ऐसे पोलीमर्स को हम क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोलीमर्स विच कैन बी डिक्रेडिड ईजिली एंड डोंट एक्यूमलेट इन द इन्वायरमेंट सो इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं एंड इसके जो जनरली एग्जाम्पल हैं वो है पी एंड नायलॉन टू नाइलॉन सिक्स पी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा बीटाहाइड्रोक्सी पॉली पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट इसके जो मोनोमर्स हैं दैट इज थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड ये दोनों जुड़ के आपकी पीएचबीवी फॉर्म करते हैं आपने एक चीज नोटिस की ये क्या है दे आर एस्टर्स ठीक है तो यहाँ पे आप पढ़िए जो एलिफेटिक पोली एस्टर्स हैं आर द इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पोलिमर्स ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नायलॉन टू नायलोन सिक्स तो इसमें जो आपके कोपोलीमर दैट इज कैप्रोइक एसिड एंड योर ग्लाइसिन तो इनके आपको याद रखने मोनोमर्स बिकॉज नायलॉन टू नायलोन सिक्स एंड पी एच बी बी जो जो है वो उन पर क्वेश्चन आने के चांसेज हैं क्योंकि बायोडिग्रेडेबल पर अभी बहुत रिसर्च हो रही है तो इनके मोनोमर्स पूछ सकते हैं उसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पॉलीमर्स टॉपिक हम कवर कर चुके हैं एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से अब तक तो पोलीमर्स पढ़े हमने क्या होते हैं हमने को किया तो सोर्स के बेस पे क्लासीफाई किया नेचुरल में सेमी सिंथेटिक में सिंथेटिक में नेचुरल के एग्जाम्पल थे प्रोटीन एंड सेलोलोज सेमी सिंथेटिक एग्जाम्पल थे बोलते हैं एंड सिंथेटिक में हमने पीवीसी वी सी नायरोन सिक्स के बारे में पढ़ा स्ट्रक्चर के बेस पे हमने लीनियर ब्रांच और क्रॉस क्रॉसलिंग में कासीफाई किया लीनियर में आप एग्जाम्पल था हाई डेंसिटी पोलिथीन ब्रांच का लो डेंसिटी पोलीथीन एंड क्रॉस लिंक का बेकलाइट एंड मेलामाइन देन पोलियम के रिएक्शन पे हमने किया था एडिशन होती है और कंडेंसेशन होती है एडिशन एग्जाम्पल पोलिथीन याद रखना कंडेंसेशन का एग्जाम्पल याद रखना नाइलॉन सिक्स सिक्स उसके बाद मोलिकुलर फोर्स के बेस पे किया था हमने इलास्टोमर्स इसमें मोस्टली रबर आएंगे आपके फाइबर्स में नाइलोन एंड पोलियमाइड ठीक है थर्मोप्लास्टिक्स में जो इजीली मोल्ड हो जाए हीट करने पर टेफलोन पैन इस एग्जाम्पल होंगे एंड थर्मोसेटिंग में जो इनको हम रीमेल्ट नहीं कर सकते ठीक है अगर मैंने जो हीट किया और वो कॉम्पैक्ट बन गया अगर देखो कई बार क्या होता है आपके पास सपोज स्क्वायर स्क्वायर कोई पॉलिमर है आप इसको सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगर वो थर्मो है तो उसको आप हीट कर देंगे उसको सॉफ्ट करेंगे एंड देन यू विल कन्वर्ट इन नो सर्कल लेकिन थर्मोसेटिंग को आप में आप रीमेल्ट करके रिसेट नहीं कर सकते मेलामाइन कि आपने जो आपके, आपने कभी नोटिस किया हो जो आपके, आपके यूटेंसिल्स होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो अगर कई बार जल जाते हैं तो वो बहुत ही उनकी कॉम्पैक्ट सा बन जाता है वो सिकुड़ के ऐसा ठीक है तो वो थर्मो एग्जाम्पल है उसके बाद हमने दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी जनरली एडिशन एंड कंडेंसेशन ये फिर एडिकल मेकनिजम को फॉलो करती हैं ठीक है देन बायोडिग्रेडेबल जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं पूछाते हैं पी एच पी वी एंड आयरन टू एंड आयरन सिक्स के बारे में पढ़ा एंड रबर नेचुरल रबर क्या होता है आपका होमोपोलीमर होता है याद रखना नेचुरल रबर आप हाँ ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है अगर आपसे पूछे नेचुरल रबर कैसा है तो नेचुरल रबर आपका होमोपोलीमर है आईसोपियो यूनिट से आपकी सारी जुड़ती हैं लेकिन जो सिंथेटिक रबर है वो कोपोलीमर है ठीक है ये आपको याद रखना है क्योंकि उसमें क्या होता है हाँ और उसमें सॉरी बूना एस एंड बूना एन आपके कोपोलिमर है नियोप्रिन जो है वो भी आपका होमोपोलीमर है क्योंकि उसमें क्लोरोप्रिन आपकी एक से एक यूनिट रिपीट हो रही है ठीक है तो ये आपको याद रखना है सो so, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमने पढ़ा है कि हम अटेम्प्ट कर पाते कि नहीं कर पाते ठीक है थेके? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर कंटेनिंग नाइट्रोजन सो अगर आपको इनके मोनोमर्स के बारे में पता है तो आप इस आंसर को इसका इस आंसर इजीली इस बता सकते हैं देखो क्लोराइड विनाइल क्लोराइड इसकी मोनोमर है तो उसमें तो नाइट्रोजन नहीं होता तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा बेकेलाइट बेकेलाइट में फिनोल एंड थे मोनोमर यूनिट्स तो ये भी नहीं आएगा मोनोम अगर आपको सिर्फ नाइलॉन मिले इट मीन्स हम नाइलॉन सिक्स सिक्स की बात कर रहे हैं ठीक है अगर कहीं आपको सिर्फ नायलॉन मिले मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नाइलॉन सिक्स सिक्स तो नाइलॉन सिक्स सिक्स अगर आपको याद हो तो पोलियमाइड कैटेगरी में आता है ठीक है अब अमाइड अगर नाम आ गया तो सिंपली आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एन नाइट्रोजन आइटम तो प्रेजेंट ही होगा ठीक है तो आपका फर्स्ट का सी आपका आंसर हो जाएगा उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इलास्टोमर इंटरमोल्क्युलर फोर्सेज आर तो इलास्टोमर में इंटरमोल्कुलर फोर्सेज कैसे होते हैं वीक होते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर बी आ जाएगा थर्ड देखिए नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ तो यू ऑल नो दैट इज आइसोप्रीन तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद ये क्या है तो अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूर नाइलोन सिक्स सिक्स जो कि बनता किससे मिथालिन डायमिन एंड एडिपिक एसिड से तो ये कोपोलीमर है जो कि डिफरेंट मोनोम जुड़ रही हैं ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पोलीमर तो बार बार मैं रिपीट करती बेकलाइट मेलामाइन बेकलाइट मेलामाइन नाखिर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं अगर मैं सारे अभी यहाँ पे कराने बैठी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा सो व्हाट आई विल डू आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑफ हैंड रिटन नोट्स अलोंग विद दिस क्वेश्चन एंड देर आंसर्स आंसर्स बहुत ही ब्रीफली हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे सिंपल रीडिंग से ही सो so आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करने हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना शेयर करना कमेंट करना एंड यस थैंक यू सो मच